हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वैकेंसी एरा एजुकेशन के तहत मैं आज एक और अच्छी वैकेंसी की अपडेट देने वाला हूँ। आई होप कि आप सभी विद्यार्थी रेगुलर नौकरी करना पसंद करेंगे और काफ़ी हद अच्छी पोस्टों पे आवेदन करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे एक और अच्छी अधिकारी पोस्टें निकली हुई है। भारत के सभी विद्यार्थी इन पोस्टों पे आवेदन कर सकते हैं। रेगुलर बेस पे आवेदन होगा, आवेदन बिल्कुल ऑनलाइन होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी विद्यार्थी, चाहे भले महिला हो या फिर पुरुष हो, अगर आप रेगुलर बेस पे नौकरी करना चाहते हैं तो आप इन पोस्टों पे या फिर इस विज्ञापन के तहत आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो दोस्तों, भारत न्यू सेंट्रल यानी कि जो सेंट्रल दिल्ली से निकली हुई वैकेंसी है, और जॉब लोकेशन आपकी वहीं होगी, ट्रेनिंग भी आपकी वहीं होगी, सब कुछ वहीं होगा। आपको सिर्फ आवेदन करना होगा और आवेदन के बाद जो प्रोसेसर होगा वो आपको विज्ञापन के तहत देखना होगा। हम बात करेंगे विज्ञापन की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में, दोनों चीज़ क्लियर करेंगे। अगर फॉर्म को कैसे भरना है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और इसके आवेदन के अनुसार क्या एप्लीकेशन फीस होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेसर होगा, क्या इसका एग्जाम सिलेबस होगा, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। इस वैकेंसी को वही विद्यार्थी देखें जिनके पास बीएससी डिप्लोमा और बीई टेक है, बीटेक की क्वालिफिकेशन है, इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन है, तो आप इस पोस्टों पे आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन की शुरुआत करें तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे विजिट करेंगे, और इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे विजिट करने के बाद यहाँ पे 5 जून से इसके आवेदन सुबह 9 बजे से 25 जून तक आप इसमें 11 बजे तक फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन की लास्ट तारीख होगी 25 जून तक। आप अभी यहीं से और इसको आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा इसके फॉर्म, जो विज्ञापन की बात की जाए तो यहाँ पे इसके विज्ञापन की जानकारी दें तो ये इसका विज्ञापन है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसका विज्ञापन देख सकते हैं। और बाकी इंक्वायरी आपको लेनी है, अगर आपको टेक्निकल इशू है या फिर और किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप इसकी जो मेल आईडी है, मेल पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको खुद को स्वयं क्लियर करनी होगी। अगर आपको फॉर्म भरने में तकलीफ हो रही है या किसी और ऑप्शन का जवाब नहीं मिल रहा तो आप मेल के जरिए भी कर सकते हैं। आवेदन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा, आवेदन करने के लिए आपको इसका न्यू रजिस्ट्रेशन या लॉगिन, अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे करेंगे, और दूसरी बार पहले कभी कर चुके हैं या लॉगिन कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब आवेदन की बात करें तो विज्ञापन के तहत करेंगे। ये देखिए, भारतीय मानव ब्यूरो जिसकी हम बात कर रहे हैं, और भारतीय मानव ब्यूरो उपभोक्ता मामला जिसके अनुसार सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सरकार द्वारा प्राधिकरण नियंत्रण अधिकारी जिसके अनुसार भारत की राष्ट्रीय मानव नियंत्रण अनुसार वैकेंसी अपडेट की गई है, जिसमें आप लोगों को लेवल 10 के अनुसार यहाँ पे भर्ती दी जाएगी। वर्तमान में इस भर्ती का दिल्ली में कार्यकाल होगा, कार्यकरण यानी कि जो आपकी पदोन्नति आपको बता दें कि दिल्ली में होगी, सैलरी की लगभग बात करें तो 87+ में होगी। तो इसी दौरान पदों की बात की जाए तो दोस्तों, टोटल इसमें वैकेंसी 28 पदों पे निकली हुई है। सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, टेक्निकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, रसायन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होगी। यहाँ पे सभी पोस्टों को इन्वाइट किया गया है, SC ST कैटेगरी को। यहाँ पे सभी कैटेगरीज आवेदन कर सकती हैं, SC की, ST की और OBC, NCL की सब की पोस्टें यहाँ पे दी हुई है। इसी दौरान हम आगे इसके बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, बैचलर डिग्री, BSc वगैरह या टेक्निकल गेट के अनुसार अगर आपके पास पास आउट है, अगर फाइनली आपकी 19-20 में गेट हो चुकी है या फिर इसका रिजल्ट आना बाकी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। 18 से 30 वर्ष तक का विद्यार्थी इन पोस्टों पर आवेदन कर सकता है, ये चीज़ें आप खुद स्वयं देख पाएंगे। इसी दौरान हम बात करें सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन के लिए आपको कंप्यूटर बेस के अनुसार CBT पेपर का क्वालिफाई करना होगा, और उसके अनुसार आपके गेट को कंपेयर करते हुए यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा। इसी दौरान हम बात करें पर्सनल इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्ट जारी होने के बाद, फिर उसके फाइनली मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। मेरिट लिस्ट निकालने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के जॉब के लिए रेडी कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, 100 रुपये इसके OBC जनरल कैटेगरी को यहाँ पे पेमेंट करना होगा, जबकि SC ST कैटेगरी को किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना होगा। इसी दौरान हम बात करें एम्प्लॉयर्स अगर इसमें आवेदन करते हैं तो एम्प्लॉयर्स को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होगा, उनके लिए बिल्कुल
छूट होगी। अब आवेदन की बात की जाए तो दोस्तों वही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, वहीं से इसे आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये इसका विवरण है। एनी हाउ भारत के कोई भी किसी भी क्षेत्र का रहने वाला स्टूडेंट हो, सभी विद्यार्थी इन पोस्टों पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले देखिएगा विज्ञापन, विज्ञापन के तहत आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप कि आप खूब अच्छे से समझ पाए होंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दिया जाएगा ताकि आप लोग खुद स्वयं इसे आवेदन कर पाएं। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो कमेंट में लिखे और हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करें, वहां से इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली अगली वैकेंसी के साथ फिर शुरुआत करेंगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।